नमस्कार, रागिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी जो शानदार धुन आपने सुनी, उस धुन को बजाने वाले कलाकार को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये वीकेंड इंटरव्यू सीरीज का पहला ऐसा इंटरव्यू है जब हम एक ऐसे कलाकार से बातचीत आपको दिखा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले दिनों संतूर सम्राट पंडित भजन सोपोरी ने हम सबको अलविदा कहा, लेकिन उनका संगीत हमेशा हमेशा हम लोग के साथ रहेगा। यह उनका इंटरव्यू है जो मैंने कुछ समय पहले किया था। आज हम उसी इंटरव्यू को आपको नए सिरे से दिखा रहे हैं। इस इंटरव्यू में पहला सवाल हमने पंडित जी से यही पूछा था कि उनके संतूर सफर की शुरुआत कैसे हुई, क्या उन्हें अपना पहला कार्यक्रम याद है? जी हाँ, बराबर याद है, क्योंकि वो मेरा ही पहला कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत में संतूर का वो पहला क्लासिकल कॉन्सर्ट था, इस वजह से याद है। और ईश्वर की कृपा से मैं चूंकि चाइल्ड प्रोडिजी था, जैसे बताया जाता है, तो वो हार्डली उस वक्त में लगभग 5 साल का था जब वो प्रोग्राम मेरा, बहुत ज़्यादा देर का तो था नहीं, 5-6 मिनट का ही था। कश्मीर के एक, उस वक्त एक ही ऑडिटोरियम था वहाँ, तब तक जो एक और बड़ा वाला ऑडिटोरियम है टैगोर हॉल वो बना नहीं था, तो ये नीडोज होटल एक जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह, बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ का ऑडिटोरियम था। और मेरे फादर का जो एक इंस्टीट्यूट था, संगीत महाविद्यालय, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के कल्चर और हिस्ट्री में, तो वो उनका फेस्टिवल था। उस फेस्टिवल में मुझे प्रेजेंट किया गया था, 1953 ईयर था, और उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर तो थे ही थे, पंडित समसार चंद सोपोरी साहब, और सबकी दुआएं थी तो मैं बजाया। एक नई वेव क्रिएट हो गई कि अच्छा, क्लासिकल म्यूज़िक संतूर पर। तो इमीडिएटली रेडियो कश्मीर श्रीनगर एक वाहिद इदारा था उस वक्त, मीडिया तो वैसे ही, रेडियो तो उस वक्त तो बहुत ही पॉपुलर था, तो उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया 1954 में। उसके बाद फिर स्टेट ने प्रमोट करना शुरू कर दिया, जब भी उनके फंक्शंस होते थे, जो भी आते थे, VIPs आते थे, तो बख्शी साहब की हुकूमत थी तो कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर उन्होंने दिया, और जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें मैं बजाता था फिर, या जैसे क्लासिकल म्यूजिशंस आते थे, अमीर खान साहब आए थे, उस्ताद अमीर खान साहब थे, उस्ताद बड़ेगुलाम अली खान साहब थे, और इसी तरह से बहुत सारे जो लेजेंडरीज रहे हैं हकीकतन, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया से अपना नाम नहीं कमाया, गुनों से नाम कमाया, डोल पीटने से नहीं, तालीम से, कसब से, रियाजत से, साधना से, और देन जो उनकी देन है, तो वो वही लोग थे। उनके रिसाइटल के से पहले मेरा प्रोग्राम रखा जाता था। मुझे याद है कि उस्ताद अमीनुद्दीन खान, नसीर अमीनुद्दीन खान डागर साहब जो पहले वहाँ आए थे, उनका रिसाइटल था, तो मेरा भी प्रोग्राम रखा गया था। फिर मैं थोड़ा थोड़ा, वो अब वो 5 मिनट तक महदूद नहीं था, बल्कि वो टाइम गैप बढ़ गया था, तो सभी देखते थे कि भाई संतूर जैसे साज पर क्लासिकल कैसे आ रहा है। हमारे घराने का साज तो था ही था, मैं तो 8वीं पीढ़ी संतूर घराने का ही था, और इस कंट्री में ये साज तो हमारे घराने से है, और सूफियाना घराना है। और उसके बाद फिर 1959 में इलाहाबाद में फंक्शन हुआ, वो उस वक्त इलाहाबाद बहुत बड़ा कल्चरल सीट था, प्रयाग संगीत समिति का 6-7 दिन का प्रोग्राम होता था, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक की बहुत ही बड़ी फैकल्टी थी, बाकी एक से एक बढ़कर प्रोफेसर सर म्यूजिकोलॉजिस्ट वहाँ थे, तो वहाँ मेरा प्रोग्राम हो गया। मेरे फादर मेरे साथ थे, 1959 ईयर था, तो पहले उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ा कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और इस पे कैसे आता है, तो सबको बड़ा अच्छा लगा था, वाह कि भाई और बच्चा बजा रहा है, तो लोगों ने बड़ा सराहा इस चीज़ को, और इनिशियली बड़ी अप्रिसिएशन भी हुई, लेकिन साथ में ये भी था कि ये साज की रीच कहाँ तक है, जहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत का ताल्लुक है। साउंड तो बड़ी अच्छी होती है, वाइब्रोफोन जैसा इंस्ट्रूमेंट तो सेलेशियल साउंड लेके चलता है वो, पर उसमें रागदारी तो होती नहीं है, या छोटा सा फ्लूट हो वो सुनने में अच्छा लगता है,
पर उसमें राग का क्रिएशन नहीं हो पाता, बड़ा बनाना ही पड़ा था। पन्ना लरगोई साहब का मुझे याद है कि जिस वक्त वो साधते थे तो कितना, जो इस वक्त बहुत मेजर फ्लूट कहलाता है, जो ख्याल अंग की गायकी के लिए हुए हैं, तो उस पर उन्होंने किया और कैसे करना पड़ा। तो इसी तरह एक रिक्वायरमेंट होती है कि साज क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, क्या वो टेक्निकल न्यांसेस डिपिक्ट करता है जो शास्त्रीय संगीत की रिक्वायरमेंट है। तो ये सवाल फिर शुरू हो गए। पहले पहले तो ठीक ही था कि भाई बहुत अच्छा लगता है और ये सब वो सब चेंज ओवर के लिए, तो फिर उसके लिए फिर बाकी काम शुरू हो गया। तो मुझे इस वजह याद है कि जहाँ से ये मेरी शुरुआत हुई थी तो ये वो ईयर था। कलाकार तो चला जाता है पर उसकी कला और उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। भजन जी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस इंटरव्यू में हमने भजन जी से ये भी पूछा था कि वो संतूर के साज के बारे में बताएं, किस तरह ये साज बाकियों से अलग है, और पंडित जी ने बहुत विस्तार से ये जानकारी दी थी। देखिए संतूर, मेरी एनालिसिस जो है, मैं हिस्ट्री के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि हिस्टोरियंस हर चीज़ में अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब कल्चर की बात आती है उनको रिपोर्टिंग ठीक नहीं होती, वो सुनी सुनी बातों पे जाते हैं या जनरल एक आइडिया लगा देते हैं, अपने किताब के दो पन्नों में उसका जिक्र कर लेते हैं। पर भारत जैसा देश कल्चर के माध्यम में दो पन्नों के हिसाब से नहीं चलने वाला। यहाँ 2000 पन्ने, 2 लाख पन्ने भी कम हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि हिस्टोरियंस ये कहते थे कि साहब ये वाद्य यंत्र जो है कश्मीर का नहीं है, इंडिया का नहीं है, बाहर से आया। कब आया यहाँ ये ज़रूरी कहना मैं चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से डील करता है। कब आया सब, ये वर्षा के वक्त आया कश्मीर, चलिए मान लेते हैं वर्षा के वक्त आया। वर्षा 15वीं सदी में है, ऑलमोस्ट 14वीं 15वीं सदी में। शततंत्री वीणा एक साज है जिसमें 100 तार थे, इसमें नीलमत पुराना में भी रेफरेंस है, और वो उसको 2500 साल पहले प्लेस कर लेते हैं, जबकि वीणाओं का इतिहास आता है उसमें। शततंत्री वीणा, सहस्रतंत्री वीणा, दत्तंत्री वीणा, कत्यायनी वीणा, रुद्रवीणा, ऐसे बहुत सारे वीणाएं हैं जिसमें एक वीणा शततंत्री वीणा है। शततंत्री वीणा किससे बजता है? काष्ठ से बजता है, यह काष्ठ है, कलम है, संस्कृत वर्ड काष्ठ है। 100 तार है, 100 तार हैं। 25 ब्रिज थे, बाद में मेरे फादर ने 27 कर दिए थे, तो मंद्र सप्तक को लाने के लिए, क्योंकि सूफियाना गायकी में मंद्र सप्तक नहीं है, वो मध्य सप्तक तार सप्तक का ही रेंज का गाना है। तो अगर साज की रेफरेंस 2500 साल पुरानी है, 100 तार वाला इंस्ट्रूमेंट है, ईरानी वाद्य में शायद 100 तार है नहीं, तो वो शततंत्री कैसे कहला जाएगा? यानी अब ये मतलब ये तो टेक्निकल डिस्कशन की बात है, मैं ज़्यादा इनमें यहाँ बयान इसका नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो इंट्रोडक्शन या ये जो रेफरेंस दी गई कि साहब ये इस तरह से आया, ये बेसिकली गलत है। खासतौर पर जब आप कश्मीर का सर्वे करेंगे, एक से एक बढ़कर आपको संस्कृत स्कॉलर वहाँ मिलेंगे। जिस वक्त पर्शियन की भी बात आती हो, आपको एक से एक बढ़कर पर्शियन स्कॉलर आएगा आपके वहाँ हैं। पोइट्री लिटरेचर तब तक फबदा नहीं जब तक कि उसका पूरा सिनारियो संगीत मायना हो, तब तक वो कभी पॉपुलर नहीं हो सकता, ना ही वो उतना बढ़त कर सकता है, ना ही उसका इतना, आप देखेंगे कि इतना वैरायटी ऑफ लिटरेचर आपके सामने आएगा। तो क्या 14वीं सदी तक कश्मीर ब्रोक था? कश्मीर में कुछ नहीं था, वहां सिर्फ खाना पकाना ही होता था और चेरीज और ही खाए जाते थे, ऐसा नहीं, बल्कि वहां पे बहुत कुछ था जिसकी देन हमारे भारत देश, भारतवर्ष की पूरी पूरी कंट्री को जिसकी देन है। उसमें संस्कृत लिटरेचर है, उसमें इतना बड़ा सरमाया है वो, और वही देन वहां से ये वाद्य यंत्र भी है जो आया। अब इसकी साउंड, अगर हम सिर्फ साउंड को लेंगे, thank you.
सबसे बड़ी दिलकश साउंड है क्योंकि रिंगिंग ऑफ बेल्स के साथ ही जाता है। तभी ये सारे योगीज और सन्यासीज और पीर और फकीर और दरवेश जिनके लिए मैं जिंदगी का मेजर हिस्सा मैं उनके बजाते गया है मेरा उनके साथ साथ रह के, तो वो इस चीज़ को सराहते थे, सुनते थे, उनकी मेडिटेशन का जरिया बन जाता था क्योंकि 12 से 4 बजे तक सुबह 9 तक मैं बजाता था। तो वो जो चीज़ें देखा हूँ मैं, उसका जो इन्फ्लुएंस देखा हूँ मैं कि कैसे ये जनरेट करता था, क्या साउंड होती थी कि पूरा जंगल सन्नाटा सुनसान, एक लैंप जल रहा है, बल्ब नहीं बल्कि जैसे आप कहे लालटेन, वो जल रहा है या दिया जल रहा है, उसमें साउंड आ रही है, आप सुन सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए। कैसी साउंड होगी? और ये साउंड ह्यूमन सिस्टम से बहुत क्लोज है, ह्यूमन सिस्टम को पेयर्स करके जाती है और उसमें से बहुत सारी जो आप समझिए कि एक एनर्जी जो ये दे देता है ये साउंड। लेकिन साउंड से शास्त्रीय संगीत नहीं बजता। आप कहेंगे कि साउंड बहुत अच्छी है और राग तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। राग की अपनी रिक्वायरमेंट है, राग की अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो गाना है, 100% गाना है। और तंत्र वाला क्या करता, तंत्र वाला कोशिश करता है कि उस गाने की अकासी मेरे साज के जरिए हो, और वही करते 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 मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म। तो अब यह था कि जिस वक्त सूफियाना गायकी होती थी, अब सूफियाना गायकी जो हमारे प्रेडेसेसर्स गाते थे, तो कैसे होता था? Nebri dopunam andar ऐसे गाना आता था, फिर मकाम बंदी आती थी। ये सस्टेन नहीं है, ये जर्ब से सस्टेन है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ये नहीं माना जाता। शास्त्रीय संगीत में कैसे आना चाहिए? तो एसेंशियल्स हैं उसके, अगर ये नहीं आएगा तो यही 1915 में कहा गया था, 59 में, साहब ये साज तो बहुत अच्छा है लेकिन गाने के लिहाज से मिसफिट है ये। हाँ, कुछ देर के लिए तो ठीक है लेकिन फिर मोनोटोनी होती है। तो वो मोनोटोनी तोड़ने के लिए फिर मैंने इसकी डेवलपमेंट शुरू की कि कैसे हो सकता है ये, कहाँ से फिर ब्रिजेस बढ़ गए। 25 ब्रिजेस से मेरे फादर ने 2 ऐड किए थे, 27 तो मंदिर सब तक खड़ा हो गया था। उसके बाद करते करते फिर मैं 29 का हो गया, फिर 31 का, 33, इस तरह करके अब ये 44 ब्रिजेस वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि सस्टेन का माध्यम से लेके, फॉर एग्जाम्पल Oh,
ये इंट्रोड्यूस करना, आप समझे कि मेरी ज़िंदगी के कम से कम 10 साल चले गए इसे में, इसको कैसे किया जाए। फिर तरब का आ गया, तरब को लिया जाए, फिर चिकारी कैसे आएगी, ब्रिजेस की क्या पोजीशन रहेगी, संतूर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कितना बड़ा होगा, तूंबा जुड़ गया, क्यों जुड़ा, ये सिर्फ शौकिया तो है नहीं, बल्कि अगर आप ऐसे नहीं रखेंगे इस साज को तो जो काम है, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, ठुमरी की एक लाइन, सांझ भए सांझ भए तो ये तभी क्रिएट होगा जबकि बजेगा। अगर बजेगा नहीं, अगर इस ढंग से मैंने ये कि फिंगर की क्या मूवमेंट होगी, दो से क्या होगा, प्रेस करने से क्या होगा, रिस्ट की मूवमेंट क्या होगी, शोल्डर से कैसे आएगा, जैसे ये शोल्डर से आता है, यानी गवैयों को मैंने इसी साज में उतारा, तो वो तो अपना टॉल तो लेगा ही, वो तो अपने ईयर्स तो लेगा ही, एक साथ तो हो नहीं सकता। ये सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज जिस वक्त मैंने ये बोल इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें कट बोल मैं कहता हूँ कि जो पाम से आता है, करते 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 कि किस ढंग से लाया जाए, उसके लिए कलम का वेट क्या होना चाहिए, कैसा आकार रहेगा, अभी भी यही चल रहा है, अभी भी इसमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी। जब मैं पखावज के साथ द्रुपद अंग से है तो फिर द्रुपद ही आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ शोकिया नहीं होती, शोकिया घर में होता है, लेकिन जब आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, आप अनाउंस करते हैं कि साहब मैं ये राग है, फॉर एग्जाम्पल ये गावती था, और मैं बता सकता हूँ कि ये गावती है भाई, जब मैं बजा रहा हूँ तो जाहिर है आप उसको उसी ढंग से लेंगे कि होना चाहिए, ये दो स्ट्रोक में पता लगना चाहिए, हाँ साहब ये गावती है, ना कि पूरा रिसाइटल जाए तो आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। वो हमारे घराने में नहीं चलता, हमारे में अपने ही नकाल बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर हैं, ईश्वर की कृपा से अगर उनको मेरा काम कोई अच्छा नहीं लगता, इमीजिएटली बताएंगे साहब ये बात नहीं बनी आज, तो सीधी सी बात, मुझे अच्छा लगे या बुरा। वो ये कह रहे हैं कि सच बताना हमारा फ़र्ज़ है, सत्य पे हमारा चलना हमारा फ़र्ज़ है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है भाई थोड़ा सा कर लेना, ज़रा इसकी ओर देखना, फिर आपकी मर्ज़ी आप करो या ना करो, लेकिन ये नहीं है कि यू नो कि एफर्ट्स को आदमी कर ना पाए, फिर ये बोले कि साहब ये क्या होता है, वो ग्रेप्स और सौर की बात है। हम तो कहेंगे करके दिखाओ भाई, ताकत है तो कर लो, और अगर इतना है तो फिर दिखा दो, ज़रा कोई नई बात बताओ जो आप, हम नहीं जानते, आप जानते हो। और ईश्वर की कृपा है कि मुझे लगता है कि मेरे हकीकतन मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, मेरे पीरों की दुआएं हैं, जिस लैंड से मैं हूँ, वरना कंपोजिशन के वर्क में मेरे लगभग 5,500 गाने हैं, 5 के बाद तो रिपीटेशन हो जाता है, जिंदगियां उसी में ख़त्म हो जाती हैं, और एक शैली का गाना नहीं है। आप सूफी के लिए हज़ारों गाने हैं, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, चाहे सिंध है, चाहे कोई भी है, कहां से कहां मैंने ले लिया है। उर्दू शायरी का कोई शायर नहीं होगा वो जिसकी मैंने कंपोजिशन नहीं की, जिसकी मैंने कंपोजिशन नहीं, कुलियात अवेलेबल नहीं होगी, सीधी सी बात है। चाहे वो क्लासिकल से हो, मौलाना जामी हाली से लेके आज तक की जितनी भी हैं राइटर्स हैं। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि
मैंने पहले रीजन में ऑपरेट किया, रीजन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, यानी अगर फोक स्ट्रक्चर्स हैं पहले आपको स्टडी करना पड़ता है और बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है, वॉइस कल्चर देखने पड़ते हैं, बेहेवियरिज्म देखना पड़ता है, एप्टीट्यूड्स एटीट्यूड्स अंडरस्टैंडिंग पोइट्री कॉन्सेप्ट्स, पूरा ही सिनारियो देख के आपको कंपोजिशन करना पड़ता है। ये नहीं है कि बाजा ले लिया, धुन बनाई, लो जी हो गया, वो पता नहीं कहाँ से आई है, ये उसको खबर भी नहीं होगी किससे सुन के आई है। तो इसके लिए फिर मुझे ये देखना पड़ा कि भाई लद्दाख क्या करता है, हमारी कंट्री सामने हैं, उनका भी असर होता है, वो वहाँ क्या हो रहा है, या हमारे से जुड़ा हुआ है जम्मू हमारा दूसरा एरिया, भाई वहाँ क्या हो रहा है, पंजाब का है, ताकि कंपोजिशंस में कहीं उसकी छाप ना आए और कश्मीरियत, कश्मीरी फोक ट्रेडिशन, कश्मीरी सूफियाना ट्रेडिशन वो बरकरार रहे, उसमें फिर कंपोजिशन करना। कम से कम 4000 गाने हैं, मजाक थोड़ी है जी, वो कोई शायर नहीं है कश्मीर का जिसकी कंपोजिशन मैंने नहीं की, जिसकी मैंने नहीं की वो शायर है। पंडित जी के साथ इस बातचीत का दूसरा हिस्सा हम आपको कल दिखाएंगे। रागगिरी के हमारे चैनल से जुड़िएगा ठीक रात 9 बजे।